नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। जनपद हापुड़ के थाना सिभावली क्षेत्र के गांव बक्सर में रहने वाले योगेंद्र के परिवार को हथियार के बंद बदमाशों ने बीती रात बंधक बनाकर तमंचे के बल पर लूट लिया। लूट की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पीड़ित ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा कि चार हथियारबंद बदमाशों ने, जो कि तमंचे से लैस थे, परिवार को बंधक बनाकर डकैती कर दी। पुलिस ने सारी स्थिति को जाना और डकैती नहीं लूट हुई ये बताया। पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। 5 खबरें में ये थाना सिंभावली क्षेत्र के ग्राम बक्सर के निवासी हैं जोगिंदर सैनी। इनके घर में 3/4 की रात्रि में कुछ बदमाश घुसे थे और जिनके द्वारा एक लूट की घटना को घर में घुसकर अंजाम दिया गया है, जिसमें इनके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई है, जिसके संबंध में थाना सिंभावली पर मुकदमा अपराध संख्या 5/2020 धारा 392 IPC पंजीकृत किया गया है। घटना के संबंध में पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक जांच पड़ताल की जा रही है। तुरंत इसमें घटना के संबंध में छानबीन की गई। मौके पर जाकर महत्वपूर्ण तथ्य इसमें हमें कुछ जानकारी में आए हैं, जिनके पर और कार्य किया जा रहा है। बहुत जल्दी इस घटना के संबंध में खुलासा किया जाएगा।